मैं कर रही थी ब्लाउज की कटिंग। और पहले मैं प्रेस करूँगी, फिर इसकी कटिंग करूँगी। फ्रेंड्स, मैं ब्लाउज की कटिंग कर रही थी, तो ये लाइनिंग है और ये ब्लाउज वाला कपड़ा। पर पता नहीं यार, मेरे से कटिंग होएगी कि नहीं होएगी। इतनी तेज़ दर्द हो रही ना सिर में, बहुत तेज़ हो रही है, तबीयत खराब हो जाती है मेरी। अब मैं सबसे पहले ना अपनी ना माइग्रेन वाली दवाई खा लेती हूँ। मतलब कल से हो ही जा रही थी बहुत, थोड़ी 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 हो ही जा रही थी। और ऐसी तबीयत खराब हो जाती है, काम भी बहुत कम कर पाती हूँ मैं। जल्दी जल्दी से काम निपटाने की कोशिश करती हूँ। बस घर का काम तो मैंने निपटा दिया था, और बस अभी अपना ही काम कर रही थी, सिलाई का। दवाई खा लेती हूँ पहले। दांत में ठंडा पानी लगता है। एवरीवन, मैं ब्लाउज बना रही थी जिसमें बॉर्डर ये है, और ये मैंने 17 इंच ऐसे ले लिया है। इधर को 17 इंच इसकी लंबाई ले ली है। अब मैं इसमें ब्लाउज की कटिंग करके सिलाई कर रही हूँ, और जब बन जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी। गाइस, लाइट कम आ रही है, और ये मैंने ब्लाउज का अगले वाला पल्ला सिलाई कर रही हूँ। गाइस, मैं आधा काम छोड़ के खाना बना रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने ब्लाउज बनाया है। मतलब इसकी एक बाजू जोड़ी है, एक ऐसी रहती है भी, और जब मैं सिलाई करती हूँ तो वैसे ही खिलारा पड़ जाता है। ये देखना, ऐसे खिलारा पड़ जाता है मेरे फिर। और ये है इसकी एक बाजू, ये है ये वाला। और ये है फ्रेंड्स ब्लाउज, और इसकी एक बाजू बनाई है, एक अभी बनाई नहीं हुई, और ये मैं कल बनाऊंगी। और अभी साहबजादे बैठे हैं फोन में, और ये मैंने बिस्तरा ले लिया था शाम के टाइम, मतलब लिया था 2-2.5 बजे, जब मेरे सिर में दर्द हुई थी। मैंने आपको बताया था मेरे सिर में बहुत दर्द हो रही। मेरी सब्जी बन चुकी है, शायद मैंने इसको देखो, मैंने ये रोस्ट कर दिए हैं आलू और बैंगन। अब इसमें तड़का लगाऊंगी। अब इसमें मैं लगा दूंगी तड़का, ये वाले देखो आलू और बैंगन को मैंने थोड़ा सा रोस्ट किया था। अब मैं इसमें तड़का लगा दूंगी। और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ चपाती। सबसे पहले तो मैं कान्हा जी के लिए बनाऊंगी। अब इसमें डाल दूंगी मैं प्याज, और इस साइड तो मैं रोटी भी बना रही हूँ साथ साथ में। राइस इसको ना मैं ज़्यादा नहीं पकने दूंगी, मतलब ज़्यादा ब्राउन नहीं होने दूंगी। और ये इसमें एक बैंगन है का छिलका ऐसे ही रह गया था इसमें। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ, अभी मैंने कुछ नहीं डाला, टमाटर डाले सिर्फ।
आप पिसा हुआ धनिया, और ये हल्दी, ये मिर्ची, मसाला डालने में मसाले खत्म हो गए, अचार डाला था कल मैंने, और ये नमक, ये कुछ पत्ती भी होगी तैयार। अब इसको मैं थोड़ा सा ना पानी डाल दूंगी, थोड़ा सा ही पानी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ टमाटर पकने के लिए, ताकि टमाटर पक जाए, क्योंकि आलू भी रोस्ट किए हुए हैं और बैंगन भी। फ्रेंड्स ये देखिए, अब इसमें तेल साइड साइड में हो गया, तो आप ये वाले बैंगन आलू इसमें डाल दीजिए, और कोई खाता भी नहीं होगा बैंगन, फिर भी खाएगा आलू की सब्जी भी, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी आलू बैंगन की सब्ज़ी बना दी मैंने। और अब मैं रोटी बनाना बंद कर दी, फिर मैंने सबसे पहले तारा की टी बनाई थी, और अब मैं उनके लिए खाना भोग लगा दूँ। मैंने भोग भी लगा दिया है कान्हा जी के लिए, और सिंपल सा होता है, ये नहीं है कि मैं इनको बहुत हाई फाई बनाती हूँ, सिंपल खाना बनाते हैं हम, कभी कुछ ये मलाई है और ये फ्रूट इनको, और इसमें मैंने चीनी डाल दी है, और ये फुलका है और पानी है, और थोड़ा सा दूध बाद में दे देंगे। गाइज ये है बैंगन की सब्जी और आलू, वैसे मैं बैंगन पसंद नहीं करती फिर भी खा रही हूँ, और ये है गोभी का अचार, और ये हमने काना का रखा हुआ, ये हम इसमें से उठा के ऐसे रख लेंगे यूँ और ऐसे, ठीक है, और इसको भी खा लेंगे, और ये भी ले लेंगे हम, और पानी को हम ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके दोनों ग्लास में डाल देंगे, ठीक है। गाइज बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी हुई, और ये गोभी का अचार है ना, ये एक्स्ट्रा बच गया था तो मैंने टिफिन में रख दिया था, ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा